नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ ग्रेट हनुमान। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या क्या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि हनुमान जी कैसे एक मैनेजमेंट गुरु है और अपने जीवन से वो हमें कितनी सारी मैनेजमेंट की सीख दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं। आज जो भी बात हम करने वाले हैं वो मूल रूप से एक पुस्तक पर आधारित है जिसका नाम है सदा सफल हनुमान। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। ये डॉक्टर विजय अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसे हम सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यदि हम पूरे रामायण को, रामचरितमानस को एक बार स्मरण में लाएंगे तो पूरे रामायण से मात्र दो ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी आज भी बड़े स्तर पर पूजा की जाती है और सबसे अधिक संख्या में मंदिर हैं। एक स्वयं श्री राम और दूसरे हनुमान। तो हनुमान एक वानर होते हुए भी और रामायण में इतने दूसरे बड़े बड़े चरित्र होते हुए भी, पात्र होते हुए भी, हनुमान जी कैसे इतने पूजनीय हो गए, कैसे हम सब के आराध्य हो गए और हम सब के बीच में आज भी उपस्थित हैं। आज हम लोग किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में जो जो सॉफ्ट स्किल्स सीखने जाते हैं या किसी मैनेजमेंट गुरु से मैनेजमेंट स्किल्स सीखने जाते हैं, उनके मूलभूत स्किल्स हम हनुमान जी के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रसंगों से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे 5 सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रसंगों की बात करेंगे जो हनुमान जी अपने जीवन से हमें प्रेरित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमनली डिस्कस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर सॉफ्ट स्किल्स में सबसे ज़्यादा बात की जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। और हनुमान जी के पूरे जीवन में या पूरे रामायण में अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी चर्चाएं किसी से भी बहुत लंबी नहीं हुई, लेकिन जब जब उन्होंने बात कही बहुत सार्थक और कन्विंसिंग कम्युनिकेशन उनका रहा। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और अपना परिचय देते हैं सीता माता को। सारी चर्चा होने के बाद वो सीता माता से एक आग्रह करते हैं कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है और अशोक वाटिका के ये सुंदर सुंदर फल देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन फलों को ग्रहण करूं। अब अगर कोई बच्चा अपने माँ से इस तरह का आग्रह करता है तो ये संभव ही नहीं है किसी माँ के लिए कि वो मना कर सके। तो यह कम्युनिकेशन इस तरह का है कि आप जो चाहते हैं वो होगा ही, सामने वाले को आपकी बात स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि आपने जो बात कही है उसमें कुछ ऐसा अंश है, कुछ ऐसा तरीका है कि आप आसानी से सामने जो आपकी बात सुन रहे हैं उनको कन्विंस कर लेंगे। यही हम सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में कि हम कम शब्दों में, कम समय लेकर अधिक प्रभावी बात या फिर कन्विंसिंग कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है, सुनने की भी बात है कम्युनिकेशन में। तो हम देखेंगे कि हनुमान जी के सभी प्रसंगों में उन्हें बहुत जगह अपनी बात कहने से पहले वो सभी की बात बड़े गौर से सुनते हैं और एक तरह का कंक्लूज़न या हम कह सकते हैं एक तरह का उपसंहार उनकी तरफ से आता है जो सभी को स्वीकार होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद हम बात करते हैं कंपेनियनशिप की, मतलब साधारण शब्दों में कहें तो टीम वर्क की। तो टीम वर्क भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं क्योंकि हम सामान्यतः बड़ी बड़ी टीमों में एक साथ काम करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के और क्लैशेस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए प्रसंग लेंगे कि समुद्र के पास में वानर सेना पहुंच गई है। अब ये चर्चा हो रही है कि सीता माता को समुद्र के ऊपर से ले जाया गया है, अब सीता माता को ढूंढने कौन जाएगा, इस पे चर्चा हो रही है। हनुमान जी नो डाउट द बेस्ट वॉरियर, सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावी योद्धा हैं वानर सेना के, लेकिन वो चुपचाप खड़े हैं क्योंकि
ये डिसीज़न मेकिंग का जो रोल है वो सेनापति के पास है, जामवंत के पास है, सुग्रीव के पास है, तो वो बीच में नहीं आते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं इसके लिए सक्षम हूँ, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि वो जानते हैं ये उनका काम नहीं है। टीम में सभी का अपना अपना रोल है और सभी को अपने अपने रोल के हिसाब से, अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये उदाहरण है जहाँ वो चुपचाप खड़े हैं और जब तक उन्हें इसके लिए कहा नहीं जा रहा, जब तक उन्हें इसके लिए निर्देशित नहीं किया जा रहा है, ही इज़ नॉट जंपिंग अप एंड आस्किंग फॉर इट। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटी दैट इंडिकेट्स अस कि हाउ गुड इन कंपेनियनशिप एंड टीम वर्क हनुमान जी वॉज। एक और महत्वपूर्ण क्रिटिकल थिंकिंग है जिसको हम बोलते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। तो अब हम इसके परिदृश्य में सोचें, हनुमान जी को ये चैलेंज दिया गया कि जाइए संजीवनी बूटी लेकर आइए। तो वो जाते हैं, रस्तों में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और वो हर बाधा को पार करके उस जगह तक पहुंचते हैं, उस पर्वत तक पहुंचते हैं जहां से उन्हें संजीवनी बूटी लानी है। अब यहां कितना इम्पोर्टेंट है उनका ये डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि वो डिलेमा में है कि संजीवनी बूटी आखिर कौन सी है। तो वो पूरे पर्वत को ही अपने साथ लेकर आते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिसीज़न मेकिंग। ही वॉज नॉट टोल्ड टू ब्रिंग द माउंटेन, बट ही ब्रॉट इट बिकॉज इट वॉज हिज डिसीज़न मेकिंग पावर। टाइम वॉज लेस एंड एट दैट टाइम इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग दी संजीवनी बूटी। और अगर वो गलत बूटी लेकर जाते हैं तो भी समस्या थी, तो पूरे पर्वत को ही अपने साथ लेकर आए। और आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब श्री राम जी ने तय किया था अगर लक्ष्मण को कुछ भी होता है तो ये युद्ध आगे नहीं होने वाला। इवन ही डिसाइडेड टू ड्रॉप एवरीथिंग। यस, सो ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे रामायण का जो उद्देश्य है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, वो उपसंहार ही नहीं आ पाता अगर हनुमान जी की इस समय ये निर्णय नहीं ले पाते और पर्वत को अपने साथ नहीं लेकर आते। आज अगर हमारे मन से कोई भी 5-10 सक्सेसफुल लोगों को के बारे में सोचें, तो एक क्वालिटी जो बहुत कॉमनली हमें दिखाई देगी, हम किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सेक्टर से किसी को भी पिक कर सकते हैं। क्रिकेट से ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री से ले लीजिए, बिजनेस से ले लीजिए, आर्ट, सभी सेक्टर से आप एक एक कैरेक्टर जो आप समझते हैं, एक एक पर्सन जो आप समझते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है अपने सेक्टर में, उनको पिक कीजिए, तो आपको एक कॉमन क्वालिटी सब में मिलेगी। हो सकता है एक से ज़्यादा मिले, लेकिन एक जो कॉमन क्वालिटी आपको मिलेगी सभी लोगों में, वो होगी क्रिएटिविटी। ये 21st सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, क्रिएटिविटी। और आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप सोच रहे हैं, उनमें एक ये विशेष गुण है कि वो नो डाउट सभी तरह के प्रिंसिपल्स को और स्थाई सत्य को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपना कोई नया आइडिया, अपना कोई नया विचार ऐड करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका अपना एक टच है जो भी वो कर रहे हैं उसमें, तो यही चीज़ क्रिएटिविटी है। और ये क्रिएटिविटी आपको बाकी लोगों से काफ़ी आगे ले जाती है। तो ये हनुमान जी के कैरेक्टर में हमें कहाँ दिखता है, तो एक बार फिर से हम अशोक वाटिका वाले वृत्तांत पे जाएंगे। अब हनुमान जी अगर चाहते तो बहुत आसानी से वो सारे फलों को खाकर आसानी से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अशोक वाटिका में को नष्ट किया, या हम बोलें उसे उजाड़ दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो ये क्रिएटिव अप्रोच था। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो ये कि ये चीज़ सिद्ध करना कि राम जी की वानर सेना में, या राम जी की वानर सेना का एक वानर जब इतना विध्वंस कर सकता है, तो आप समझिए, इनडायरेक्ट मैसेज है ये रावण की सेना को, रावण को, कि पूरी वानर सेना कितनी शक्तिशाली या विध्वंसक हो सकती है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये भी थी कि वो उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट की ताकि उन्हें पकड़ा जाए और राजभवन में ले जाया जाए, रावण के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये पूरी
प्रक्रिया में हनुमान जी जज करना चाहते थे कि उनका ओपोनेंट कितना पावरफुल है, उनके पास राजदरबार में कौन कौन पहलवान बैठे हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू नो अबाउट योर ओपोनेंट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये क्रिएटिवनेस, ये क्रिएटिव स्किल, ये क्रिएटिविटी हनुमान जी में थी, और हम भी उनके जीवन से इसके लिए प्रेरित हो सकते हैं कि जो भी कार्य हमारे जीवन में आए, क्या हम उसमें कुछ अपना इनपुट लगा के उसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी जो बात की जा रही है वो है द फिफ्थ सी ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आप निरंतर अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखते हैं, या फिर आप पिछले परफॉर्मेंस के गुरूर में, उसके दंभ में खोए रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी को भी चिरजीवन अपने परफॉर्मेंस को, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए, कि वो अपने पिछले परफॉर्मेंस को भूलकर अगले पर फोकस करें। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसी के लिए हनुमान जी को सदा सफल भी कहा गया है, क्योंकि उनके जीवन में जितने भी चैलेंजेस आए हैं या उनको जितने भी काम दिए गए हैं, वो सभी काम इसके पहले ना कभी हुए थे, उसका कोई अनुभव, कोई केस स्टडी कहीं भी उपलब्ध नहीं था। उन्हें उनके जीवन में जो भी चैलेंज मिला, वो अपनी तरह का पहले बार का चैलेंज या अपनी तरह का पहले बार का क्या कह सकते हैं, चुनौती, या पहले बार किया जाने वाला कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क उनके सामने था। चाहे वो संजीवनी बूटी लाने का काम हो, चाहे वो सीता जी को सर्च करने का, ढूंढने का काम हो, उनके जीवन के जितने चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो अपने आप में पहली बार किया जाने वाला काम था। तो ये सभी उदाहरण हैं, ये सभी प्रसंग हैं हनुमान जी के जीवन से, जिसे आज हम आत्मसात कर सकते हैं। और हमें सॉफ्ट स्किल सीखने कहीं नहीं जाना है। रामचरितमानस या हनुमान जी का जो चरित्र है, वो अपने आप में इतना परिपूर्ण है, अगर उसकी हम गहराई से उसका अवलोकन करें, वी विल ऑब्जर्व इट वेरी माइन्यूटली, वी विल श्योरली अचीव सच ग्रेट लेसन्स विच विल हेल्प अस टू डेवलप ऑल दी सॉफ्ट स्किल्स विद इन अस। सो एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।